हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक्सेल के अंदर चेक बॉक्स बनाना चाहते हैं, जैसे गूगल शीट में चेक बॉक्स बनाना बड़ा आसान है, लेकिन एक्सेल के अंदर क्या करें कि चेक बॉक्स बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ही ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये 2007 आपको दिख रहा होगा। अब ये ओपन हो गया। अब इसमें डेवलपर टैब एक्टिव है। अगर आपके में नहीं एक्टिव है तो यहाँ से जाकर के फिर एक्सेल ऑप्शन पे जाकर के और फिर यहाँ से डेवलपर टैब पे टिक कर दीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एक्टिवेट कर लेना है आपको, और एक्टिवेट करेंगे ना तो यहाँ पर आपको इंसर्ट दिखाई देगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सपोज कीजिए प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट हो गया। और यहाँ पर हमें बनाना है क्या, यहाँ पर हमें बनाना है एक चेकबॉक्स। तो जैसे ही यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स नजर आएगा। तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर जब ड्रैग कीजिएगा तो ये चेकबॉक्स इस तरीके से बन जाएगा। आप इस पे ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ भी आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेकबॉक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप चाहे तो हटा सकते हैं यहाँ से चेकबॉक्स जो लिखा हुआ है उसे आप हटा दीजिए और सिर्फ चेकबॉक्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चेकबॉक्स आपका बन जाएगा और इस पर टिक करेंगे तो टिक भी हो जाएगा, और अनटिक करना चाहें तो अनटिक भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये अनटिक हो जाएगा। तो आप चेकबॉक्स एक्सेल में भी बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ गूगल शीट में बना लेंगे तो ऐसा नहीं है, एक्सेल में भी बन जाएगा चेकबॉक्स, और इसका काफी ज्यादा यूज है। तो आने वाले वीडियोज में इसका और भी यूज दिखाऊंगा। फिलहाल तो ये समझ में आया होगा कि ये चेकबॉक्स कैसे बनाना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।